और दूसरा ये कि जैसे अपने इंडिया में एक, मैं इतना समझता हूँ कि जैसे अमिताभ जी बच्चन जितने फेमस हैं, घोड़ों वालों के लिए दिनेश जी जैन साहब उतने ही फेमस नहीं। देखो एक्चुअली क्या, बहुत अच्छा घोड़ा है, बहुत अच्छा तगड़ा दिखता है, मेरे साथ राइड में लाओ, वो शाम को खाना नहीं खाएगा। मगर मैं जानबूझ के बोलूँ, अरे नहीं, हाइट वाइट कुछ नहीं होती है, हर आदमी 60-61, कोई मेरे पास आता ही नहीं था ब्रीडिंग कराने, कोई ब्रीडिंग कराने नहीं। क्यों, घोड़ा तो अच्छा था ना, क्या हो गया, बड़ी अलीबाबा लाइन का था। तो आज मैं आपके लिए आपके सबसे जो अपने इंडिया के हॉर्स लवर हैं उन सबके फेवरेट दिनेश जी जैन साहब के यहाँ आया हूँ, और मैं इनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया। और आज अपन थोड़ी मारवाड़ी घोड़ों की ब्रीड और जो इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसके ऊपर अपन थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अभी कैसे चल रहा है घोड़ों का? बस ठीक है, घोड़ों का तो बढ़िया है। अभी अपने राइडिंग में कैसे चल रहा है? नहीं, अभी राइडिंग बंद है एक्चुअली, 1.5-2 साल से राइडिंग बंद है, तो अभी अपन क्या ब्रीडिंग का ज़्यादा कर रहे हैं। ओके। क्योंकि यूरोपियन क्लाइंट आते हैं, वो भी बंद है। तो अभी अपन ब्रीडिंग का ज़्यादा कर रहे हैं और थोड़ा खरीद बेच कर रहे हैं। अच्छा। खरीदते भी है, सेल भी कर देते हैं, खूब लोग अभी नया शौक लगा लोगों को, ये है। तो घोड़ों का चल रहा है? हाँ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मेरे को बहुत खुशी है कि आपने मेरे को आपका कीमती समय दिया, अरे आपका नहीं, टाइम दिया। तू मेरा अच्छा, हमारा छोटा भाई है यार। और दूसरा ये कि जैसे अपने इंडिया में एक, मैं इतना समझता हूँ कि जैसे अमिताभ जी बच्चन जितने फेमस हैं, घोड़ों वालों के लिए दिनेश जी जैन साहब उतने ही फेमस नहीं है। देखो एक्चुअली क्या, घोड़े का काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर क्या है, मैं घोड़े वालों के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। Okay. मैं घोड़ों के लिए कर रहा हूँ। अब अगर कोई फ़ोन करता है तो हो सकता है वो मेरे, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता हूँ, वो हो सकता है वो मुझे पसंद नहीं करता हो, मगर मुझे घोड़ा पसंद है। Okay. और अगर उसका घोड़ा तकलीफ में है तो बस मैं घोड़े को देख के करता हूँ, मालिक को नहीं देखता हूँ। तो क्या होता है, उस वजह से कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी आपके लिए नेगेटिव सोचता है, कुछ कारण होते हैं कि आप उससे नहीं बनती है। मगर जब आप उसको एक बार उसका फेवरेट काम कर दोगे, दूसरी बार कर दोगे, तो क्या आदमी का माइंड चेंज हो जाता है। और मेरा ये सोचना है कि अगर आप 10 लोगों से बात करते हो और अगर 8 लोग अगर आपका फेवर करते हैं, इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, बस ये है। इसीलिए आप अंकल बहुत फेमस हैं इंडिया में, मतलब अगर सबका नाम ले तो एक साइड में दिनेश जैन साहब का बिल्कुल अलग ही नहीं। एक्चुअली क्या, देखो घोड़े के लिए कर रहे हो, और जो आदमी घोड़े से प्रेम करता है और अगर उसकी कभी अपन जाने अनजाने में कोई हेल्प कर देते हैं तो वो आदमी याद रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या भले वो आदमी याद इसलिए रखता है कि यार उसको अपन कुछ उस वक्त काम आ गए। और कभी कभी क्या होता है कि अपना कहना होता है और उसका काम हो जाता है, क्या हाँ। तो ये चीज़ है, और अपन भी अपने को संतुष्टि मिलती है अगर वो आदमी वापस फोन करता है कि भाई साहब मेरा ये घोड़े को अच्छा हो गया। बिल्कुल, क्या अभी जैसे भी 2 घंटे पहले एक दो फोन आया, मेरा घोड़े का अच्छा हो गया। एक रात को फोन आया, वो परेशान हो रहा था, वो कह मेरी घोड़ी पाँव पटक रही। मैंने कहा उसका सुन के अंदर देख ले कि नहीं, मेरे तो उसको इंजेक्शन वगैरह लगाया, क्या पता क्यों। अभी उसका फोन आया कि मेरे तो उसके अंदर 2 कंकर घुसे हुए थे। तो क्या होता है कि जब घोड़ा हल्का पाँव रख के खड़ा रहेगा तो वो कंकर उसको दबेंगे नहीं, मगर जब पूरा जोर लगा रहा था, प्रेशर हो रहा है, तो उससे वो पाँव पटक रही थी। तब ये क्या होता है कि घोड़ा सब रखते हैं, मगर घोड़े को डायग्नोस करने वाला होना चाहिए कि डॉक्टर दवाई दे देगा। डॉक्टर को मालूम है कि मुझे इस पर्टिकुलर बीमारी की ये दवाई है, मगर डॉक्टर का डायग्नोस अगर आपने, मालिक ने कर दिया और डॉक्टर आते आपने बताया भाई साहब मेरे ये इस कारण से हो रहा है, तो डॉक्टर के लिए इजी हो जाता है। बाकी क्या होता है, डॉक्टर आता है 5 मिनट के लिए, वो देखेगा, वो 4 ऑप्शन वाली दवाई दे देगा, 4 इंजेक्शन डिफरेंट लगा देगा कि हो सकता है ये, हो सकता है ये, हो सकता है ये, हो सकता है। और अगर मालिक अगर समझने लग गया कि यार मुझे उसको बीमारी को, उसको भाई ये पर्टिकुलर बीमारी, डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर वही दवाई देगा और काम कर लेगी, ये है फर्क। आपने नई वीडियो कॉल पे देखा, हाँ भाई बता, मुझे लग गया ना, मैंने कहा घोड़ी बिना मतलब, हाँ ये आप अगर रोज घोड़ों के साथ काम करते हो ना तो एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ा काम करने से नहीं होता, आप अगर खाली पैसे के लिए घोड़ों के साथ काम कर रहे हो ना तो आपको ये नहीं होगा, आपको पसंद होना चाहिए, आपको इतना पसंद होना चाहिए कि नहीं यार मेरे को तो घोड़े को, तो फिर आपको वो उसी तरह झुका होना, हाँ वो आँख पैदा हो जाती है, वो दिल में वो, क्या बाकी तो क्या है, पैसे के लिए कर रहा तो। अगर इसी में एक्सपीरियंस की बात करें अंकल, तो आपको घोड़ों घोड़ी में कितना समय हो गया है? देखो एक्चुअली क्या, अपने को घोड़ों का शौक तो बचपन से था, मगर क्या होता है कि जब बचपन में जब शौक था ना तो उस टाइम ये कंडीशन नहीं थी कि अपन घोड़े खरीद लें। क्या तो घोड़ों के साथ काम किया, घोड़ों के साथ काम किया तो लोगों के लिए किया, फिर एक पहले तो शौक था और वो शौक बदल गया अपनी जरूरत में, शौक और जब जरूरत दोनों बढ़ गई तो अपना, जब शौक आपकी जरूरत में बदल जाता तो बहुत ज़्यादा 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं करीबन घोड़ा घोड़ी का काम तो 9 साल की उम्र से कर रहा हूँ, हाँ, और उसके बाद
बढ़ तो पहले लोगों के लिए करता था, मतलब घोड़े का शौक था, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अब खुद का करने लग गए। ये है तो अब मतलब अगर अपने को इसमें ईयर में देखे तो कितना टाइम हो गया? ईयर में देखे तो 40 साल से तो ज्यादा ही हुए। मेरी 56-55 की एज है, 9 साल यंग में एकदम। नहीं यंग तो क्या है, मगर हाँ ये है कि ले रहते हैं आप। मैंने देखा है एक्चुअली क्या होता है कि आप अगर बराबर काम करते हो ना, 8-10 किलोमीटर नॉर्मली चलते रहते हो क्या, तब 8-10 किलोमीटर नॉर्मल आदमी जो चलता है ना जैसे खाली, तो वो आदमी फिट रहता है और फिट है बस। सही सही। अगर 40 सालों की बात करें तो आपने हमेशा मारवाड़ी घोड़े ही रखे हैं या कोई दूसरी ब्रीड भी रखी है? नहीं, अपन ने मारवाड़ी भी रखे हैं, काठियावाड़ी भी रखे हैं। मुझे क्या एक आधा काठियावाड़ी रखने का बड़ा शौक है। अच्छा। क्योंकि काठियावाड़ी भी अपने इंडिया की ब्रीड है। अच्छा। तो काठियावाड़ी भी एक मतलब शौक से रखता हूँ, अपने इधर प्रचलन कम है काठियावाड़ी का। अगर आप लेके आ गए तो पहली बात तो उसके बायर कम होते हैं राजस्थान में या गुजरात में, गुजरात में तो चलो काठियावाड़ी, मगर गुजरात वाला आपके इससे क्यों खरीदेगा? तो एक तो क्या अपने शौक के लिए तो काठियावाड़ी भी रखा, एक आधी बार सिंधी भी रखा, एक दो बार वो अपने थोरोब्रेड आते हैं वो भी रखे हैं। अच्छा। हाँ तो अगर इसी में अगर बात करें तो आज के समय में आप कैसे देख रहे हैं कि पहले के मारवाड़ी और आज के मारवाड़ी में आपको कितना डिफरेंस दिखता है? देखो पहले भी मारवाड़ी होते थे, आज भी मारवाड़ी है। इवन मैं ये मानता हूँ कि आज बहुत अपग्रेड हुए। पहले क्या होता था कि घोड़ा घोड़ी रखता, इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो मुझे मालूम होता था कि 25-50 किलोमीटर के एरिया में घोड़ा का या 100 किलोमीटर के एरिया में। अब आज पंजाब के घोड़े का मुझे मालूम है कौन सा घोड़ा कहाँ खड़ा है, तमिलनाडु के घोड़े का मालूम है, ठीक है ना। और जब लोगों को ज़्यादा मालूम हुआ तो आप ब्रीडिंग अपने घोड़े की घोड़ी या घोड़ा कहीं दूर ले जाओगे, ब्रीडिंग कराओगे, तो अपग्रेड बहुत हुआ है, अपग्रेड बहुत हुआ और लोगों को शौक लगा है। बाकी घोड़े पहले भी अच्छे थे, मगर पहले लोगों को मालूम नहीं होता था। आप अगर कोई घोड़ा देखने जा रहे हो तो आपको 4 बसें चेंज करनी पड़ती थी। आज आप घर पे बैठे वीडियो कॉल से घोड़े को पता कर लो क्या। तो अभी जैसे आपने अपने पास ऑस्ट्रेलियन था, हाँ वो भी तो आपने सेल कर दिया है? हाँ, अभी एक जो अपने पास ऑस्ट्रेलियन था कामदेव करके, वो अपन ने सेल कर दिया है। अच्छा। वो विजय देव का था। ओके। और उसकी माँ फुल माल लाइन की थी। अच्छा। हाँ। तो अभी कहाँ सेल किया ये? वो बॉम्बे गया है। बॉम्बे गया है। तो वहाँ पे भी उसकी अब ब्रीडिंग बढ़ेगी अपने यहाँ? कोई वो मतलब हो सकता है ब्रीडिंग करे ना करे, वो मालिक के ऊपर है, मगर अच्छा घोड़ा था। अच्छा। हाँ तो आपकी नज़र में अगर देखा जाए तो एक आइडियल स्टेलियन कैसा होना चाहिए, उसका टाइप कैसा होना चाहिए? देखो आइडियल स्टेलियन सब घोड़ियों के लिए एक पर्टिकुलर स्टेलियन नहीं हो सकता है। ओके। कोई आप ये नहीं कह सकते हो कि ये स्टेलियन सब घोड़ियों के लिए अच्छा है क्या। तो इसमें क्या होता है कि हर स्टेलियन हर घोड़ी के लिए नहीं होता है। तो कुछ मतलब मैं ये मानता हूँ सबसे पहले तो स्टेलियन के पाँव मजबूत होने चाहिए, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पाँव होने चाहिए, गर्दन अच्छी होनी चाहिए। अब अगर आपका ऑस्ट्रेलियन की बहुत लंबी गर्दन है और घोड़ी की भी बहुत लंबी है तो वो बेनिफिट नहीं देगी आपको, वो वर्थ नहीं करेगी, मेरा ये सोचना क्या। अपने उसके घोड़े की पैर भी मजबूत होने चाहिए, पैर मजबूत होने चाहिए, पुट्ठा उसका अच्छा होना चाहिए, सीना चौड़ा होना चाहिए क्या। अब आप किस पर्पज से ब्रीडिंग कर रहे हो ये भी जरूरी है, मगर मैं मानता हूँ हर ऑस्ट्रेलियन हर घोड़ी के लिए परफेक्ट नहीं है। अच्छा, क्या आपको क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि भाई आपको ये आपकी घोड़ी कैसी है, घोड़ी कैसी है, अब उस घोड़ी में क्या प्लस पॉइंट है और घोड़े में क्या प्लस पॉइंट, घोड़ी में क्या माइनस है, तो उसको प्लस मिलाना है कि भाई इसको इम्प्रूवमेंट करना, तो ये है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हर एक ऑस्ट्रेलियन ये सब घोड़ियों के लिए परफेक्ट है क्या। और अगर जो आपने आप काठियावाड़ी रखे हैं और आप जैसे बोल रहे हैं थोरोब्रीड भी रखे हैं, तो अपने मारवाड़ी और जो विदेशी घोड़े हैं उसमें क्या डिफरेंस है और कौन से आपको लगते हैं कि ये ज़्यादा इस फील्ड में मजबूत है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जो थोरोब्रेड घोड़े हैं, देखो अपन ने थोरोब्रेड का उतना भी नॉलेज नहीं है, मगर अपन ने जो रिटायर्ड थोरोब्रेड होते हैं ना जो रेस कोर्स है वगैरह, तो वो राइडिंग के हिसाब से अपन ने खरीदे, तो एक्चुअली क्या वो एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छे फास्ट हैं, मगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अपना मारवाड़ी घोड़ा, काठियावाड़ी घोड़ा, सिंधी घोड़ा ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक तो क्या इस इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं भाई, इन्वायरमेंट बहुत फ़र्क डालता है उनको, इतनी गर्मी बर्दाश्त करना, इतनी सर्दी बर्दाश्त करना, उस इन्वायरमेंट में बड़ा होना। तो मैं मानता हूँ जैसे मारवाड़ी घोड़ा है तो मारवाड़ी घोड़ा एक तो हाइट उसकी अच्छी होती है, बड़ा होता है, अगर कोई 6 फीट का आदमी भी बैठता है तो उसको लगता है मैं घोड़े पर बैठा हूँ, उसके पांव लटकते नहीं है, क्योंकि 62-63 का अगर घोड़ी है या 61 की घोड़ी है राइडिंग की, वैसे मेरे हिसाब से 61 की घोड़ी परफेक्ट होती है। अब 64 पे भी बैठो कोई बात नहीं, पर 61 की घोड़ी मतलब एक अच्छी राइडिंग की घोड़ी हो सकती है।
फिर उसके बाद जैसे अपन काठियावाड़ी में आते हैं, काठियावाड़ी क्या थोड़ा छोटा होता है मगर मजबूत बहुत होता है, वो बड़ा स्ट्रोंग होता है क्योंकि उसका बॉडी बड़ी कॉम्पैक्ट होती है, बहुत लार्ज नहीं होता है। तो घोड़ों में भी क्या है कि जैसे अलग अलग पर्पज, अगर आपको राइडिंग का घोड़ा चाहिए तो बहुत लंबी बैरल वाला घोड़ा अच्छा नहीं होता मेरी निगाह में, क्योंकि मैंने जब 40 साल राइड किए ना तो मैंने लंबी बैरल वाले घोड़े भी की राइड किए हैं और शॉर्ट बैक वाले भी किए हैं, मगर शॉर्ट बैक वाला अच्छा राइड देता है, लंबी बैरल वाला घोड़े में कमर में प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, पाँव जैसे पीछे के आगे मतलब इधर उधर जाएंगे, हाई बड़े हिल पे नहीं चल पाएंगे वो घोड़े। तो ये है मतलब अपने मारवाड़ी जो घोड़ा है एक एवरेज मतलब सब में ऑलराउंडर। हाँ ऑलराउंड। और मैं आपको बताता हूँ, एक मारवाड़ी घोड़ा है आप उसको जिंदगी में कभी मत चलाओ, उसको एक बिल्कुल शोरूम की तरह रखो, उसको अंदर कांच के में रखो, उसको खिलाओ पिलाओ। अब अगर उस मारवाड़ी घोड़े को आप चाहोगे 40 किलोमीटर चलना वो नहीं चल पाएगा। तो ये सब कुछ होता है प्रैक्टिस के ऊपर, आप क्या कर रहे हो। जैसे अब हमारे घोड़े हैं 12 से 15 किलोमीटर इनके लिए एज ए ब्रेकफास्ट ये चलते रहते हैं। अब चलते तो फिर क्या होता है कि इनके लिए जब 40 किलोमीटर चलना होता है ना, आज अगर हमारे पास जो घोड़े भी साल डेढ़ साल से राइड नहीं कर रहे हैं, मगर मेरे यहाँ जो घोड़े अगर वो कोई अगर इंड्योरेंस वाला ले जाना चाहता है 40 किलोमीटर की इंड्योरेंस के लिए, तो मेरे घोड़े के लिए उसको ज़्यादा बहुत वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 15-20 किलोमीटर तो नॉर्मल चलते हैं। अब 15-20 जो घोड़ा 25 दिन महीने में चलता है उसके लिए 35-40 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी ब्रीड का घोड़ा हो आप क्या कर रहे हो आप कुछ नहीं। मारवाड़ी घोड़ा बहुत अच्छा घोड़ा है, बहुत अच्छा तगड़ा दिखता है, मेरे साथ राइड में लाओ वो शाम को खाना नहीं खाएगा, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये फर्क है। हाँ तो घोड़े घोड़े सब अच्छे होते हैं, आप उसको किस यूज में कर रहे हो, कितना वर्कआउट कर रहे हो। अब कोई शो का घोड़ा और उसको आप 40 किलोमीटर चलाओगे तो उसकी तो हवा निकल जाएगी, ये है फर्क। तो प्रैक्टिस जरूरी है। एक जैसे आप आइडियल घोड़े के लिए कह रहे हैं कि घोड़े के लिए कह रहे हैं 61-62 एक आइडियल हाइट है उसकी, जैसे इसी पे मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो जैसे अभी मेलों में या फिर मैं भी जैसे वीडियोस भी देखते हैं अपन फेसबुक पे भी देखते हैं, लोगों के दिमाग में जैसे ये हाइट का ओपिनियन बहुत ज्यादा हो गया है मारवाड़ी घोड़ों में, हाइट इतनी होनी चाहिए 65-68। देखो ऐसा है, हर आदमी हाइट चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास घोड़ियां हो 65-65 की, मगर पैदा नहीं होती है, ठीक है ना। अब ये जिसके बाद पैदा नहीं होती है वो बोलता, जैसे मान लो किसी के पास 62 के बाहर कोई घोड़ा घोड़ी नहीं है, क्या वो मैं आपको हकीकत बताऊं, उसको दिल पे हाथ रख के कहीं मंदिर में ले आके कसम दिलाओगे तो बोला नहीं 65 की चाहिए, मगर पैदा नहीं होती है। तो वो फिर क्या वो कहता है ना जल के बोलता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप परफेक्ट राइडिंग का घोड़ा देखना चाहते हो तो वो तो मैं मानता हूँ 61 का घोड़ा परफेक्ट है, मगर जब आप ब्रीडिंग कर रहे हो, जब आप मार्केट में मांग क्या है, आपके लिए पैदा नहीं कर रहे हो, आप मार्केट के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, पुराने जमाने में तो आदमी दूर नहीं जाता था, 1000 रुपये घोड़ा दे के और ब्रीडिंग करा लेता, 500 करा लेता। आज आदमी यहाँ से पंजाब घोड़ी लेके जा रहा है, 75,000 रुपीज़ उसका ब्रीडिंग का चार्ज है, ठीक है, प्लस 30,000 जाने का, 30,000 आने का, 2 महीने यानी डेढ़, जब वो उसके घर वापस घोड़ी आती है ना 2 लाख का खर्चा होता है। अब अगर उसका बच्चा 50,000 का बिकेगा तो वो क्या कर लेगा। तो बेटर है, तो मैं ये मानता हूँ कि घोड़ा आज किसी भी स्टेबल पे चले जाओ, बेस्ट स्टेबल पे जो इंडिया के बेस्ट स्टेबल है, वहाँ आपको सब घोड़े 64 नहीं मिलेंगे, वो चाहते हैं मगर मिलेंगे नहीं। तो मेरा ये सोचना कि अपने पास जैसे घोड़ियाँ 60 की भी है, 61 की भी है, 62 की भी है, अगर घोड़ा 65 का है और बच्चा बच्ची आपका 63-64 का पैदा हो रहा है तो उसकी आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं ना। आज मेरे पास जो घोड़ा था कामदेव, अगर वो 61 होता उसके उतने पैसे नहीं आते, तो ये तो फैक्ट है। मगर मैं जानबूझ के बोलूँ अरे नहीं नहीं हाइट वाइट कुछ नहीं होती है, हर आदमी चाहता है मेरे पास हाइट वाला घोड़ा हो, मगर वो उसके पास होता नहीं तो उसकी बुराई करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई आप कोई ये नहीं कर सकते कि नहीं 62 के बाहर का घोड़ा मारवाड़ी नहीं है। आज की खान पान बहुत अच्छी है। आज पुराने ज़माने में है ना, हम कहीं गांव में जाते थे, वो बोलता था कि मैंने मेरे घोड़े के लिए एक मण जो धान खिलाया, वो क्या बोलता था, साल में एक मण धान 40 किलो होता है, एक साल में खिलाया। और आज लोग है ना एक महीने के 15 दिन के अंदर एक मण धान खिला देते हैं, मतलब 3 किलो जो कदरिया खाता है ना। तो उस टाइम वो, अब आज लोग है ना एक एक घोड़े का मेंटेनेंस मिनिमम बता रहा हूँ 15,000 रुपये आता है मिनिमम, और अच्छा स्टीलन जो पाल रहा है ना आदमी उसका खर्चा आता है 25-30,000 उसका जो अटेंडर होता है वो, क्या ये चीज़ें। तो देखो हाइट
तो अगर किसी के घर में अगर 64 के या 65 का पैदा हो रहा है ना, तो कोई यूं नहीं बोलेगा मेरे 64 65 का नहीं होना चाहिए, क्या ये है? वो उसी को ज्यादा प्रिफर करेगा और वापस आज जो मार्केट की मार्केट जो मांग क्या है आज क्या? आज मैं बताता हूँ, मेरे पास कितने मेरे आज से 4-5 साल पहले मेरे पास एक स्टेलियन था, बहुत अच्छी लाइन का था, 60 का था वो, 60 से 60-61 कोई मेरे पास आता ही नहीं था ब्रीडिंग कराने, कोई ब्रीडिंग कराने नहीं, क्यों? घोड़ा तो अच्छा था ना, क्या हो गया? बड़ी लाइन अलीबाबा लाइन का था, एक सुल्तान लाइन का था, नहीं आते थे लोग बाग। आज मेरे पास 65 का घोड़ा था, लोग बाग रिक्वेस्ट करते थे, अरे यार। और मैं मानता हूँ कि भले ही वो या तो घोड़ा हो 61, उसने प्रूव किया हो 63-64 के बच्चे दे रहा हो, तो लोग आएंगे। जैसे मैं जैसे इंडिया में 4-5 घोड़े बहुत अच्छे हैं जो जिनकी हाइट नहीं है मगर बहुत सुंदर है, मगर आप उसको उन घोड़ों के साथ 60 की घोड़ी नहीं मिलाओगे, आप उसको थोड़ी सी बड़ी घोड़ी मिलाओगे, क्या? अगर 60 की घोड़ी 60 के घोड़े से मिलाई और वो 59 पैदा हो गया तो आपको ये नहीं काम हो जाता, मगर आपको पैसा नहीं मिलेगा ना, और आप अगर आप 1 लाख के अंदर का अगर बच्चा बच्ची बेचोगे तो आपको फ़ायदा क्या है आज की तारीख में? ये है।